ओम शांति। जरूर लिखें, दुखद भरी खबर इस समय कि आपको शांति घाट शक्तिनगर जम्मू से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कल ही आपने एक दुखद भरी खबर जो है वो गोवा बीच से सुनी होगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक ही घर के दो भाइयों की जो है वो गोवा में वहाँ पर जान चले गई थी, लेकिन उसके बाद आज उनके दोनों शवों को जो है वो यहाँ पर लाया गया और आज उनकी अंतिम यात्रा इस समय जो है वो जम्मू से आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं कि परिवार का किस तरह यहाँ पर रोने का बुरा हाल। काफी ज्यादा ये दुखद भरी खबर है। एक ही घर के दो भाई जिनका नाम अमनदीप बहू और अभिषेक बहू, जिनकी उम्र लगभग 28 से और 32 के बीच थी। ऐसे में अपने दोस्त के साथ ये जो है वो गोवा में वहाँ पर जो है पिकनिक के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं एक भाई जब डूबता है तो उसकी जान को बचाने के लिए जब दूसरा भाई आगे आता है तो वो वहाँ पर जो है वो डूब जाता है। और आज उनके शवों को जो है वो जम्मू में यहाँ पर ला दिया गया है और उसके बाद अंतिम यात्रा यहाँ पर जो है वो परिवार वालों का इस समय यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल। काफी ये दुखद भरी खबर इस समय कि आपको शांति घाट सोचा नहीं था कि इस तरह से वो अपने अमेरिका से आए दोस्त के साथ यहाँ से पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे, लेकिन वो जो यहाँ पर दोबारा जो वापस नहीं लौट पाएंगे। एक ही घर के दो भाई थे जो कि पेशे से इंजीनियर थे, ऐसा बताया जा रहा है, और एक का नाम अमरदीप बहू और दूसरे का नाम अभिषेक बहू। और 28 साल अमनदीप बहू जी की उम्र थी और अभिषेक बहू जी की बात करें तो उनकी उम्र 32 साल के करीब उनकी उम्र थी, लेकिन आज परिवार में आप देख सकते हैं किस तरह से मातम का माहौल यहाँ पर छाया हुआ है। और उनके पिताजी की बात करें तो वो भी इसमें जो हो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में। जम्मू के लोवर शिवनगर के रहने वाले थे दोनों भाई, जिनमें से एक का नाम अमनदीप बहू जिनकी उम्र 28 साल के करीब थी और दूसरे का नाम अभिषेक बहू जिनकी उम्र लगभग 32 साल के करीब थी। दोनों पेशे से जो है वो इंजीनियर थे। ऐसे में छुट्टी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं गोवा में वहाँ पर जो है वो पिकनिक के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि एक भाई जो है वहाँ पर डूब जाता है और ऐसे में जैसे दूसरा वहाँ पर बचाने के लिए आगे आता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो भी डूब जाता है और जिसके नतीजे में एक ही साथ है दोनों सके भाइयों की जो है वो जान चले जाती है। ओम शांति। जरूर लिखिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये दुखद भरी खबर इस समय की जम्मू से। और आप देख सकते हैं कि आज अंतिम शव यात्रा इनकी यहाँ पर शमशान घाट के पास यहाँ पर पहुँच चुकी है। और सोचा नहीं था कि इस तरह से दोनों
सके भाइयों की जान जो है वो एक ऐसे हादसे में चले जाएगी। हालांकि घर से वो जो है वो वहाँ पर पिकनिक के लिए वहाँ पर गए थे अपने दोस्त के साथ जो कि अमेरिका से आया था, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये दोनों सके भाई जिनका नाम अभिषेक बहू और अमनदीप बहू है, लेकिन ये दोनों भाई जो है वो गोवा बीच में वहाँ पर अपनी जान जो है वो गवा बैठे हैं। माता रानी के आगे, वाहेगुरु के आगे, अल्लाह के आगे दुआ करें कि इन दोनों भाइयों की आत्मा को शांति मिले। एक ही घर के आज दो चिराग जो है वो यहाँ पर बुझ चुके हैं और आप देख सकते हैं पूरे तरीके से परिवार में, पूरे मोहल्ले में, पूरे चाहने वाले जितने भी थे उनके घर में इस समय यहाँ पर मातम का माहौल छाया हुआ है। अमनदीप बहू जी की बात करें तो लगभग उनकी उम्र जो है वो 28 साल के करीब थी और दूसरे की काफ़ी ज़्यादा ये दुखद भरी खबर इस समय की जम्मू के शांति गार्ड से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से परसों शाम को ही ये खबर जो है वो जम्मू के जो लोअर शिवनगर से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाई जो कि अपने अमेरिका से आए एक दोस्त के साथ वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए गोवा बीच में वहाँ पर गए थे, लेकिन ऐसे में वहाँ पर एक भाई जब डूब जाता है तो दूसरा उसे बचाने की कोशिश करता है और वो भी वहाँ पर डूब जाता है और जिसके नतीजे में इन दोनों सके भाइयों की जो है वो उसमें जान चले जाती है। अमनदीप बहू जी की बात करें तो ये इनकी उम्र लगभग 28 साल के करीब है और दूसरे जो अभिषेक बहू जी हैं उनकी उम्र 32 साल के करीब बताई जा रही है, लेकिन दोनों जो है पेशे से इंजीनियर थे और सोचा नहीं था परिवार ने भी कि इस तरह से उनके बेटे जो है वो इस दुनिया से चले जाएंगे। आज क्या कुछ बीत रही होगी उस माँ के साथ, उस पिता के साथ, उन रिश्तेदारों के साथ जिनके आज ये दो बेटे जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। माता रानी के आगे दुआ करेंगे कि इन दोनों भाइयों की आत्मा को शांति मिले। और आज आप देख सकते हैं परिवार में जो कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी कि जिस तरह से उनके बच्चे दोनों बेटे जो है वो एक अच्छे पोस्ट पर वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन पिकनिक मनाने के लिए अमेरिका से आए दोस्त के साथ वहाँ पर वो पहुँचे थे गोवा बीच में। सोचा नहीं था कि इस तरह से वो दो जो है वो दोबारा घर वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। काफ़ी दुखद है और आज अंतिम शव यात्रा उनकी यहाँ पर पहुँच चुकी है और काफ़ी दुख हो रहा है ये खबर आप लोगों तक पहुँचाते हुए कि एक ही घर के दो चिराग जो है वो उस वक्त बुझे हैं जब वो पिकनिक मनाने के लिए गोवा बीच में गए थे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।